अस्सलाम वालेकुम, सल्ले अला सुभान अल्लाह। मेरा नाम तौकीर हफीज़ है और मेरे चैनल का नाम है मल्टीपर्पज़ चैनल। आज मैं आपके बालों को यानी हेयर को काला करना यानी ब्लैक करने के लिए एक होम रेमेडी लाई हूँ, वो भी विंग का यानी सदाबहार के लिप्स से। ये सदाबहार के लिप्स आपको नज़र आ रहे हैं रिवर्स, इससे मैं आपको बनाना बताऊँगी। और वो भी आप इसको ड्राई कर लें, ड्राई करके भी रख लें, और या आप घी लें इसको काट के और इसके पेस्ट बना लें ब्लेंडर या ग्लैंडर में। और अगर चाहें तो इस तरह, ये मैंने दो तरह के बनाए हैं, इसको पहले सुखा लिया है विंका के लिप्स को यानी सदाबहार के पत्तों को सुखा कर मैंने इसको छाया में सुखा लिया था। सुखा कर इसका मैंने पेस्ट बना लिया, पेस्ट क्या यानी पाउडर बना लिया, पाउडर बना के इसको रख लिया है और जार में मैंने कंटेनर में पैक कर लिया है, क्योंकि बालों के लिए वो ज़्यादा बना के रख लें। और इस तरह भी आप सुखा के रख सकते हैं और इस तरह पेस्ट बना कर रख सकते हैं। ये देखिए मैंने विंका के इस तरह पेस्ट भी बना लिया है और पेस्ट बना कर मैंने इसको अब मैं रेमेडी बता रही हूँ, दोनों तरह की रेमेडी बताऊँगी ताकि आपके लिए आसानी रहेगी ये रेमेडी बाल काला करने के लिए। और ये है कि आप उसको रेगुलर लगाएं, अपने रूटीन में शामिल करें, तो ये मैं बहुत ही आसान उसका बता रही हूँ, आपको कोई मुश्किल नहीं पड़ेगी। बस आप एक विंका जो है आप पौधा लेकर आकर अपने घर में रख लें या ज़्यादा रख लें, जितने आपको रिक्वायरमेंट हो। और ये ऐसे हैं कि 16 साल की लड़की से लेके 60-70 साल सबके ही बालों के लिए है, ये लड़का और लड़की दोनों के लिए मैंने ये रेमेडी बता रही हूँ और बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छी है। तो चलिए हम अपने इसके रेमेडी की तरफ, और इसमें मैं आपको बताती हूँ कि हम आप ज़्यादा बना लीजिएगा जितने बाल के हिसाब से, किसी के बहुत ज़्यादा बाल होते हैं और क्रैटिन की कमी भी हो, या इसके लिए दोनों चीज़ के लिए बताऊँगी। तो आप इसमें आप ये ले लें, मैं थोड़ा सा बता रही हूँ कि आपकी आसानी के लिए। इसमें आपने इतना समझे ये ले लें, अगर अपने बालों के लिए बना रहे हैं तो दो चम्मच लीजिएगा, दो चम्मच ये लीजिएगा और दो चम्मच आपने ये लिया। और इसमें आपको काला पत्थर डालना है, काला पत्थर मैं आपको दिखा दूँ, काला पत्थर का पाउडर डालें आप। पहले मैं इसमें से इसको वो कर दूँ, फिर मैं काला पत्थर का पाउडर, काला पत्थर आप काला जितना हमने वो लिया है उतना ही लेना है, मगर मैं इसमें कम बता रही हूँ। ये देखें काला पत्थर इस तरह के पाउडर मिलेगा आपको, काला पत्थर, काला पत्थर की डली भी मिलती है। ये दोनों को मिला लिया, मिलाने के बाद देखिए एक पेस्ट तैयार हो गया, ये पेस्ट तैयार हो गया। आप इसमें थोड़ा सा सादा पानी भी मिला सकते हैं, अब जैसे पेस्ट बनाने के लिए बाले के लिए आपको ज़्यादा चाहिए होगा। ये देखें इस तरह बना लें, ये देखें तो ये बिल्कुल, आप इसमें काला पत्थर भी मिला लें। अगर आपके पास काला पत्थर ना मिले ना तो काला सुरमा मिलता है, एक तो लाल सुरमा भी होता है जो ब्राउन टाइप का होता है, वो नहीं काला। तो ये मिला के आप बालों पर इस तरह अप्लाई करेंगे, जैसे ये आपके बाल हैं तो बालों पर, ये बालों पर आप ना इसको मर्ज करेंगे, ये बालों को यूं यूं बालों पर ऐसे 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 करके मर्ज करके बालों पर लगाएंगे। तो ये बाल को आप एक घंटे तक लगे रहने देना बालों पर, और फिर उसके बाद इसको आप सादे पानी से धो लेंगे। तो अगर इसमें सादा पानी नहीं डालना चाहते हैं तो आप रोज़ वाटर डालें यानी गुलाब जल डालें, तो उससे बालों में आपको खुशबू भी आएगी। और अगर इसमें आपको एक और भी नहीं चलें, ये आपने ये कर लिया, करने के बाद इसको कर लें। अब मैं पाउडर का बताती हूँ, ये तो हो गया आपका इसका, इसको मैं रिमूव कर लेती हूँ और मेरे हाथ ज़्यादा वो ना हो जाए गंदे, तो मैं इसको रिमूव करती हूँ। रिमूव करने के बाद आपको मैं एक और रेमेडी, पाउडर की रेमेडी बताती हूँ, इसको हम हटाते हैं और पाउडर की अब रेमेडी आपको बताते हैं, ठीक है। पाउडर में आप क्या करना है, ये पाउडर, बल्कि आप ये पाउडर हम पूरा ही ले लेते हैं, ये समझे एक चम्मच पाउडर हो गया है, ये बालों ही के लिए, ये पाउडर के लिए, क्योंकि हम ये कर लेंगे तो इसको फ्रीज़र में आप फ्रीज कर नीचे आप फ्रिज में एक हफ्ते के लिए रख सकते हैं। अब इसमें हम ये देखें एवॉन के कैप्सूल आते हैं, 600 ml के ये कैप्सूल आते हैं, और ये आते हैं 400 ml, ये 6 ml के हो गया, ये 400 ml के कैप्सूल है। तो आप ये दोनों में से जो भी कैप्सूल इस्तेमाल करना चाहें वो कर सकते हैं। तो मैं एक इसमें डाल रही हूँ और डाल के आपको बता रही हूँ। तो इसको हमने ये काटेंगे और काट कर इसको हम, ये देखिए हमने काट लिया, काट के इसके अंदर हमने ये देखा,
या इसके अंदर हम सादा पानी हम लेंगे, सादा पानी ले लें, गुलाब जल ले लें और इसको हमने इसको मैश कर, तो ये आपके बाल, जिसके बाल जो केराटिन की कमी होती है, केराटिन की कमी की वजह से उनके बाल बिल्कुल जैसे बम फटे हुए होते हैं, ऐसे फ्रिजी अजीब किस्म के हो जाते हैं, खुश्क, ड्राई, रफ, और उन सब के लिए है। तो ये पेस्ट आपने तैयार कर लिया। अगर चाहें तो इसमें भी आप काला पत्थर ऐड कर सकते हैं। मैंने दोनों चीज़ बता दी, क्यों आप परेशान होंगे कि काला पत्थर नहीं मिल रहा, सुरमा नहीं मिल रहा, तो मैंने इसलिए यानी रेमेडी दोनों मैंने इसलिए शेयर की कि आपको आसानी से मिल जाए। तो ये तो बहुत ही आसान है, आप इसको थोड़ा सा पतला कर लें, थोड़ा सा कम, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा। और इसको जैसे आपके बाल बहुत ज़्यादा हैं घने, तो उसमें आप 4 चम्मच इसका पेस्ट ले लीजिए, 5 चम्मच, 6 चम्मच, 6 चम्मच का पेस्ट लें और इसमें आप 6 कैप्सूल डालें, ठीक है। 400 mg की है वो कैप्सूल आप 4 डाल लीजिएगा या 6 डाल लीजिए, ठीक है। ये डालने के बाद आप इसको ऐसे बालों पर देखिए, जैसे बालों पर एक किस्म का बाल को हम लोग ऐसे ऐसे करके बालों पर तेल लगाते हैं ना, ये मर्ज करते हैं, ये मर्ज करते हैं इन बालों के अंदर, वो करके पूरी समझो ये लेंथ है, इस पर ऐसे ऐसे करके आप इसको 1 घंटे के लिए रख दीजिएगा। 1 घंटे के बाद आप रखने के बाद इसको आप सादे पानी से वॉश कीजिएगा। सादे पानी से वॉश करने के बाद देखें इसको आप साफ़ करें, यानी हम मैं तो इसमें साफ़ करके इसलिए बता रही हूँ, आप वॉश कीजिएगा। और अगर आपको जैसे कोई बालों के लिए आपको ऐसा लग रहा है मेरे बालों से नहीं निकल रहा, तो बारीक कंघी से इसको आप निकाल लीजिएगा। और जो माइनर शैम्पू होता है बच्चों वाला शैम्पू, वो इसमें इस्तेमाल कीजिएगा, तो आपके बाल रेगुलर रूटीन पर आप लगाना शुरू करें तो आपको 6 मंथ के बाद कुछ आपको रिजल्ट आने लगेगा और फिर आपके हमेशा के लिए काले होने लगेंगे। और हमेशा इसको अपने रूटीन में शामिल कर लें तो आस्ते आस्ते आपके बाल काले होने लगेंगे। और अगर ये भी नहीं लगा सकते तो आप इनकी पत्तियों का अरख निकाल लें, अरख निकाल कर वो भी आप बालों पर लगा लें 1 घंटे 2 घंटे के लिए, और वो जाके आप वो वॉश कर लें बालों को सादे पानी से, तो वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो आई होप ये आपको बहुत पसंद आई होगी, अगर इसे पसंद आई है तो मुझे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत अच्छे कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।